मॉर्निंग फ्रेंड्स, संडे क्या एंजॉय का दिन होता है और इसी एंजॉय के एंजॉयमेंट पर आपके लिए दो क्वेश्चन है आज की वीडियो में। आज पूरा दिन एंजॉय कीजिए, मौसम भी दिल्ली का कुछ मज़ेदार है तो आप इस मज़ेदार मौसम का लुत्फ़ उठाइए। आप प्रीवियस वीडियो देख के और भी अपनी प्रैक्टिस को रॉबस्ट कीजिए, वोकैबुलरी को बिल्ड कीजिए अच्छी तरह से। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर कितना है? चार। किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर मीन्स डिजिट का डिफरेंस, डिजिट वन डिजिट टू का डिफरेंस कितना है? जो भी है पता नहीं हमको, हमको कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। चलिए आगे। और डिफरेंस कितना उनका? चार है। और ढाई मीन्स, ढाई क्या होता है? जैसे इकाई ढाई पढ़ते हैं, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इस तरह से ये क्या होता है? इकाई होता है, यूनिट प्लेस। ढाई क्या होता है? टेंथ प्लेस। ओके। और थाउजेंड प्लेस जो इसके आगे होगा, इकाई ढाई सैकड़ा, इस तरह से हिंदी बोलता है, इंग्लिश में बोलता है यूनिट, टेंथ, यूनिट प्लेस, टेंथ प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, इस तरह से। ओके। तो अब देखेंगे इसके ढाई और इकाई मीन्स टेंथ और यूनिट डिजिट का रेशो क्या होता है, अनुपात होता है रेशो। ओके। कितना है ये? वन रेशो थ्री है। तो बताइए अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा? देखिए जरा, अगर मैं मान लूं ये टेंथ डिजिट कितनी है, टेंथ डिजिट है एक्स। मैंने मान लिया कि जो डिजिट है ना, डिजिट जो प्लेस है वो एक्स के साथ है, तो यूनिट प्लेस क्या होगी? यूनिट प्लेस में तो कुछ नहीं होता, तो यूनिट प्लेस मीन्स, यूनिट प्लेस क्या होगा वो होगा खाली एक्स। और टेंथ प्लेस क्या होगा? टेंथ प्लेस क्या होगा वो होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए मैं और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं मान लिया, मैंने प्लेस जो है वो एक्स मान लिया, तो यहां पर टेंथ प्लेस और यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस का रेशियो कितना है यहां पर, ये इस तरह से दे रखा है टेंथ अपॉन में यूनिट, इनका रेशियो देखा जाए, इनका रेशियो देखा जाए तो वो ये है। तो जब मैंने प्लेस को एक्स मान लिया है तो टेंथ प्लेस कितना हो जाएगा? टेंथ प्लेस हो जाएगा यहां पर एक्स, ऐसा हो सकता है? और इसका रेशियो कितना हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि जो रेशो होता है वो ये टेंथ वाले का हमेशा बड़ा होगा यूनिट वाले से। तो आपको ध्यान में रखना है, जब इस तरह की चीजें हैं तो आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको ध्यान से समझना है कि क्या माने, किसको माने और कैसे माने। ठीक है। तो यहाँ यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, यहाँ ये एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? थ्री एक्स हो जाएगा। ओके। चाहे आप इसे समझने के लिए क्वेश्चन में मैंने ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, पेपर में ऐसा नहीं आने वाला, क्योंकि आपको ये बताना था कि जो टेंथ प्लेस होगा वो यूनिट प्लेस से ऑलवेज बड़ा होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया ये 42, तो ये टेंथ प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, सॉरी ये यूनिट प्लेस है और ये टेंथ प्लेस है। अब मैं ले लूं ये, अब ये हो गया यूनिट प्लेस और ये हो गया टेंथ प्लेस, तो ये छोटा हो गया, नहीं हो गया? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो जो रेशो दे रखा है वो सही है, बातों पे हाँ नहीं करना है, दिमाग में कभी सोचो कि अरे अच्छा ऐसा है, नहीं, समझना है कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तभी कुछ होगा। देखिए अब, तो यहां पर टेंथ प्लेस कितना है, उसका रेशो वन है, तो यहां पर क्या करेंगे, उसको हम एक्स मान लेंगे, हम उसे एक्स मान लेंगे, और जो यूनिट प्लेस है उसका रेशो कितना है, तीन है, तो उसको थ्री एक्स मान लेंगे। अब ये क्या कहता है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, दो आ रहा है और यहाँ पर भी दो आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस टू आएगा, इसमें से करेंगे तो प्लस टू आएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ये कितना, फोर। तो देखिए मैंने ये टेंथ में से बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दिया, तो कितना आ गया एक्स, कितना आ गया ये टू एक्स, कितना आ गया फोर। और x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 अपॉन में 2 आजकल कितना आता है, ये आता है, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। ओके। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा जरूर।
जो जो मैंने बोला है वैसा वैसा नहीं होता है। जो जो मैंने आपको क्लियर करने के लिए बोला कि तुम सोचो कि अरे यार टेंथ का तो हमेशा बढ़ा रहेगा यूनिट्स, ऐसा नहीं। आप ये वाला एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ओके तो देखिए अब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई ये। अब ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। यहां पर कितना आ गया इन डिजिट का सम, इन डिजिट का सम कितना आ गया, क्योंकि उसने योग पूछा है सम पूछा है। तो x प्लस 3x आजकल कितना होता है, 4x होता है। अब हमें 4 की वैल्यू तो पता है 4 है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या पता नहीं, लेकिन हमने निकाल लेना यहां पर कितनी है 2। तो यहाँ 2 आ गया, तो कितना आ गया ये 8। तो इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा। ओके इसका आंसर क्या आएगा 8 आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब ये मत पूछिए कि वो डिजिट क्या है, यहाँ डिजिट से मतलब नहीं है, डिजिट होते कुछ और बोलता हो। यहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। ओके यहाँ अपनी तरफ से आप मान लीजिए कि ये क्या कहते हैं, ये इस तरह से यहाँ पर इनका डिफरेंस देखिए मैंने माना वो बिल्कुल सही है। यहाँ इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ इनका डिफरेंस है 4 और ये 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, तो इनका रेशियो भी कितना आ रहा है, ये सही है, ये 10th प्लेस है और ये यूनिट प्लेस है, इन दोनों का रेशियो भी यही आ रहा है। तो आंसर इसका ये था, संख्या जो थी वो ये थी, इनका सम कितना आ रहा है 8 ही आ रहा है, डिजिट का सम कितना आ रहा है 8, तो ये भी हमारा आंसर 8 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चुप चुप के आप देख भी रहे होगे नीचे की यार ऊपर कब आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग मींस एडिशन प्लस कितना 44 है, तो अंकों का योग बताइए। तो सबसे पहले याद रखना है टू डिजिट नंबर क्या होता है, जो हम एज्यूम करते हैं लेट जो होता ही होता है, ये कंफर्म है, लेट टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, याद रखना है आपको, ये फिक्स है बिल्कुल, आपको बहुत जगह काम भी आएगा 10x प्लस y। और जब इनके अंकों को बदल देते हैं व्हेन डिजिट्स चेंज, तो क्या बनता है ये बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई आपको ये नहीं है कि यार ये होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये होगा ही होगा, होगा क्योंकि ये है मिस्टर गोगा। ओके तो ये आ गया, ये कह रहा है एक दो अंकों की संख्या ये हो गई और अंकों को पलटने में बनी संख्या ये हो गई, उनका योग कितना, उनका एडिशन कितना है 44 है। तो देखिए भाई साहब, हाँ तुम ही देखो जरा इधर, ये आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब इसमें यही तो जोड़ेंगे या अलग से खुद को जोड़ेंगे, नहीं। अब यहां पर 10x कितना आएगा, 10x ये रहा और x ये रहा, कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा भाई, और 10y और प्लस y कितना हो जाएगा आई कितना हो जाएगा y। ओके तो चलिए आगे, यहां पर इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, जोड़ आप सकते नहीं लेकिन कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें यहां से 11 आ जाएगा, यहां से 11 आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस y। अब x प्लस y की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, ये आएगा। ओके ये आएगा ना, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 4। आ रही है बात समझ में, नहीं तो उसका आंसर ये आएगा 4। उसने क्या बोला था क्वेश्चन में, मैंने क्यों कहा ये आंसर आएगा, क्योंकि उसने बोला उसके अंकों का योग बताइए, अंकों का योग डिजिट का सम मीन्स एक डिजिट तो ये है और एक डिजिट ये, अभी तुम सोचोगे यहाँ तो 10 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको अगर 21 निकालना है ना तो 2 में 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्लस 1, 10 तो फिक्स है ही, जब जो 2 डिजिट बना है, यहाँ पर 2 और 1 कितना है इनका इन सम, ये आएगा 3। देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है ना, तो ऐसे ही कुछ समझेंगे इस चीज को, देखो छोटी छोटी चीज समझेंगे तभी आप कुछ बड़ा समझ पाएंगे, नहीं तो फिर जानते हैं कि गंगाधरी शक्तिमान था, इस चीज का सोच रहे हो इससे क्या लेना है, लेना देना है समझेंगे आप थोड़े से टाइम बाद, क्योंकि टाइम सबको समझा जाता है, इस दुनिया का सबसे ग्रेट टीचर जो है वो टाइम है, टाइम जो है वो टीचर का भी टीचर होता है, हमारा मेरा मेरे टीचर है टाइम, वो मेरे टीचर्स के भी टीचर के, तो उनको बहुत चीज सिखाना है आपको, अभी समझ में आएगा कि बाल गंगाधर और शक्तिमान कौन थे, दोनों अलग अलग थे सेम। तो चलते हैं आगे, किसी अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके आज सब्जेक्ट स्क्वायर के मुख्य समाचार यहीं तक थे, कृपया प्रार्थिक ध्यान दें।
आज संडे के दिन आप पूरे एंजॉय करें, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उस वीडियो को देखें और अच्छे से उसको सीखने की कोशिश करें। आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह के साथ पढ़ते रहें और मिलते हैं आपको कल सोमवार को सुबह। धन्यवाद। आज के मुख्य समाचार समाप्त।